हिंदू पुजारी, मुस्लिम इमाम, सिख संत और ईसाई प्रीस्ट सभी धर्मों के लोग हैं और सभी धर्मों के रीति रिवाजों के साथ रतन टाटा को अंतिम विदाई दी गई और वो उनका पार्थिव शरीर तिरंगे में लिपटा हुआ। आइडिया ऑफ इंडिया यही तो है। ताउम्र कुमारे रहे रतन टाटा ने अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ देश की तरक्की और दूसरों के बारे में सोचा। इसके लिए ही उन्हें पद्म भूषण और पद्म विभूषण जैसे सम्मानों से भी सम्मानित किया गया। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमेशा दूसरों के लिए सोचने वाले शख्स ने कभी खुद की शादी के बारे में नहीं सोचा या फिर शादी ना करने की कसम खाई थी। उन्होंने कई बार शादी के बारे में सोचा लेकिन होते होते रह गई। शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। आज आपकी ये पॉलिटिकल नारी सवाल जवाब नहीं बल्कि श्रद्धांजलि देने के लिए आई है। आइए जानते हैं देश के चहेते बिजनेसमैन रतन टाटा के बारे में। नमस्कार, मेरा नाम है निवेदिता शांडिल्य और आप देख रहे हैं मॉलिटिक्स। रतन टाटा ने दूसरों के सपने तो खूब पूरे किए लेकिन उनकी निजी जिंदगी का एक सपना अधूरा रह गया। रतन टाटा की जिंदगी में प्यार ने कई बार दस्तक दी लेकिन हर बार वो प्यार अधूरा रह गया। उन्होंने खुद एक इंटरव्यू में बताया कि जब वो 1960 के दशक में अमेरिका में पढ़ाई कर रहे थे तब उनकी मुलाकात एक युवती से हुई थी जिससे वो प्रेम करने लगे और दोनों की बात शादी तक पहुंच गई। रतन टाटा उस समय अमेरिका में ही रहना चाहते थे और अपनी जिंदगी वहां बसाने की योजना बना रहे थे लेकिन इसी बीच उनकी तबीयत बिगड़ गई जिसके चलते वो भारत आ गए। उन्होंने सोचा था कि उनकी प्रेमिका भी जल्द ही भारत आ जाएगी और वो यहाँ शादी कर लेंगे लेकिन तभी भारत और चीन के बीच 1962 का युद्ध छिड़ गया और उनकी प्रेमिका के परिवार ने भारत आने से मना कर दिया। इस तरह परिस्थितियों के कारण उनकी प्रेम कहानी अधूरी रह गई। इसके बाद वो अमेरिका कभी नहीं गए और 1962 में ही इन्होंने जमशेदपुर में टाटा स्टील में काम करना शुरू कर दिया और यही काम करते हुए एक बार फिर से रतन टाटा को प्यार हुआ। इस बार रतन जी का प्यार बॉलीवुड एक्ट्रेस सिमी गरेवाल थी। ई टाइम्स को दिए गए एक इंटरव्यू में सिमी गरेवाल ने साफ किया था कि उन्होंने कुछ वक्त के लिए एक दूसरे को डेट किया था और शादी भी करना चाहते थे लेकिन किसी वजह से रिश्ता आगे नहीं बढ़ पाया और एक बार फिर से रतन जी का प्यार अनजान तक नहीं पहुंच सका। इसके बाद आया साल 1981 जब JRD टाटा ने रतन जी को टाटा इंडस्ट्रीज का प्रमुख बना दिया और बाद में टाटा सन्स का भी प्रमुख बनाया। जब वो टाटा सन्स के प्रमुख बने तो वो JRD टाटा के कमरे में नहीं बैठे। रतन जी ने अपने बैठने के लिए एक साधारण सा छोटा सा कमरा बनवाया। जब वो किसी जूनियर अफसर से बात कर रहे होते थे और उस दौरान कोई वरिष्ठ अधिकारी आ जाए तो वो उसे इंतजार करने के लिए कहते थे। उनके दफ्तर से ही जुड़ी एक और दिलचस्प बात ये भी है कि जब भी रतन जी अपने दफ्तर बॉम्बे हाउस पहुंचते थे तो सड़क के आवारा कुत्ते उन्हें घेर लेते थे और उनके साथ लिफ्ट तक जाते थे। ये दिखाता है कि कुत्तों से उन्हें कितना प्यार था। इसके अलावा रतन जी के पास दो जर्मन शेपर्ड कुत्ते भी थे, टीटो और टैंगो, जिन्हें वो बेइंतहा प्यार करते थे। कुत्तों से उनका प्यार इस हद तक था कि 6 फरवरी 2018 को ब्रिटेन के राजकुमार चार्ल्स बकिंघम पैलेस में रतन टाटा को परोपकारिता के लिए रॉकफेलर फाउंडेशन लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार देना चाहते थे लेकिन रतन टाटा ये पुरस्कार लेने के लिए नहीं गए क्योंकि उनका कुत्ता टीटो अचानक से बीमार हो गया था। रतन टाटा का अपने कुत्ते के लिए इतने बड़े सम्मान को ठुकराने से प्रिंस चार्ल्स बेहद प्रभावित नजर आए। जानवरों से इतने प्यार के चलते ही उन्होंने नवी मुंबई में 165 करोड़ की लागत से जानवरों के लिए 5 मंजिला अस्पताल बनवा दिया जिसमें 200 जानवरों का एक साथ इलाज हो सकता है। साथ ही आवारा कुत्तों के लिए उन्होंने ताज होटल के दरवाजे हमेशा के लिए खोल दिए। टाटा सन्स के चेयरमैन बनने के 7 साल बाद रतन टाटा ने 1998 में टाटा मोटर्स की इंडिका कार बाजार में उतारी। ये कार भारत में डिजाइन की गई पहली कार थी। टाटा ग्रुप, जो पहले सिर्फ बड़ी गाड़ियों के मैन्युफैक्चरिंग के लिए जाना जाता था, उसकी छोटी गाड़ी बनाने का फैसला गलत साबित हुआ और टाटा की ये इंडिका कार असफल रही जिसके बाद रतन जी ने इसे फोर्ड मोटर कंपनी को बेचने का फैसला किया। इसके लिए रतन टाटा अमेरिका के डेट्रॉइट शहर गए और फोर्ड प्रमुख बिल फोर्ड से मिले तो बिल फोर्ड ने उनसे पूछा कि उन्होंने इस व्यवसाय के बारे में पर्याप्त जानकारी के बिना ही इस क्षेत्र में प्रवेश क्यों किया। उन्होंने टाटा पर ताना मारा कि अगर वो इंडिका को खरीदते हैं तो वो भारतीय कंपनी पर बड़ा उपकार करेंगे।
इस व्यवहार से रतन टाटा की टीम नाराज हो गई और बातचीत पूरी किए बिना ही वहां से चली आई। इसके बाद रतन टाटा पर सवाल उठने लगे, लेकिन साल 2000 में उन्होंने अपने से दोगुने बड़े ब्रिटिश टेटली समूह का अधिग्रहण करके लोगों को चकित कर दिया। इसके बाद उन्होंने यूरोप की दूसरी सबसे बड़ी इस्पात निर्माता कंपनी कोरस को भी खरीद लिया, लेकिन बिल फोर्ड से हुई नाराजगी अब भी उनके मन में थी। लगभग एक दशक बाद हालात बदल गए और 2008 में फोर्ड कंपनी गहरे वित्तीय संकट में फंस गई और उसने ब्रिटिश विलासिता की जैगुआर और लैंड रोवर को बेचने का फैसला किया, जिसे रतन टाटा ने 2.3 अरब अमेरिकी डॉलर में खरीद लिया। तब बिल फोर्ड ने कहा कि भारतीय कंपनी ने फोर्ड की लग्जरी कार कंपनी खरीद कर उन पर एक बड़ा एहसान किया है। इसके एक साल बाद साल 2009 के दिल्ली ऑटो एक्सपो में उन्होंने पीपल्स कार नैनो का अनावरण किया, जो कि 1,00,000 रुपए की कीमत पर दुनिया भर में उपलब्ध हो रही थी, यानी कि दुनिया की सबसे सस्ती कार थी। रतन टाटा ने हमेशा इंसानियत के लिए काम किया। जब साल 2020 में कोरोना महामारी आई तो कंपनियों में बड़ी तादाद में छटनियां हुई और लोगों को काम से निकाल दिया गया। तब एक इंटरव्यू में रतन टाटा ने कहा कि कोरोना के मुश्किल दौर में लोगों के प्रति कंपनियों की जिम्मेदारी बनती है। जिन्होंने आपके लिए काम किया है आपने उन्हें ही छोड़ दिया। उद्यमियों और कंपनियों के लिए लंबे समय तक काम करने और अच्छा प्रदर्शन करने वाले कर्मचारियों के प्रति संवेदनशीलता जरूरी है। महामारी के दौर में आप अपने कर्मचारियों के साथ ऐसा बर्ताव नहीं कर सकते हैं। क्या यही आपकी नैतिकता है? क्या इससे समस्या हल हो सकती है? मुझे नहीं लगता कि ऐसा हो सकता है। आपको बिजनेस में नुकसान हुआ है, ऐसे में लोगों को नौकरी से निकाल देना सही नहीं है, बल्कि उनके प्रति आपकी एक जिम्मेदारी बनती है। ऐसा नहीं है कि रतन टाटा केवल नैतिकता की बातें ही करते थे, उन्होंने कोरोना के दौरान 500 करोड़ रुपए दान भी दिए। इसके अलावा द हुरून रिसर्च और एडल गिव फाउंडेशन की रिपोर्ट के मुताबिक जमशेद जी टाटा के नाम पर कुल मिलाकर 7.6 लाख करोड़ रुपए दान भी किए थे। ये रकम टाटा सन्स की लिस्टेड कंपनियों की कीमत का 66% है। इसके अलावा भी रतन टाटा और उनका कारोबारी समूह हमेशा से ही सामाजिक और धार्मिक कार्यों में आगे रहा है। रतन टाटा को हमेशा गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करते हुए देखा गया है। रतन टाटा का जाना भारतीय उद्योग जगत के लिए एक बड़ी क्षति है। रतन टाटा को हमारी श्रद्धांजलि है। रतन टाटा के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, हमें कुछ बताना चाहेंगे तो कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, आगे भी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।